मित्रों, इन दिनों बहुत बवाल मचा हुआ है कांग्रेस के खेमे में और उसका सबब बने हैं हमारे टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी। उन्होंने सोनिया गांधी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की है उसे कांग्रेस पूरी तरह बौखलाई हुई है। लेकिन हमें अगर पत्रकारिता के तकाजों के लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह से ये मीडिया को बांटा जा रहा है, कोई विरोधी मीडिया होते हैं, कोई वामपंथी मीडिया होते हैं, तो ये अच्छी परिपाटी नहीं चल रही है। ये लोकतांत्रिक समाज में पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार होता है, व्यक्ति का अधिकार होता है और उसको सुनिश्चित करना चाहिए सभी दलों को। आलोचना भी हो, तारीफ भी हो, लेकिन इसको लेके ये ना माना जाए कि कोई इसके पक्ष का बन जाए। जहाँ तक अर्णब गोस्वामी और रवीश कुमार जैसे पत्रकार का सवाल है, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन और राय जो है वो ये है कि अभी पत्रकारिता जो है वो एक तरफा सिंगल ट्रैक नहीं होना चाहिए। आपको मुद्दे उठाइए, निश्चित रूप से उठाइए, जहाँ अच्छा काम हो अच्छा कहिए, जहाँ बुरा हुआ है उसको बुरा कहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि आपने एक सिंगल ट्रैक रूट बनाया हुआ है। और ये दोनों पत्रकार इस मामले को लेकर काफी बदनाम हो गए। रवीश कुमार को जब भी हम टीवी खोल के देखते हैं NDTV पर, तो हमें पता है कि वो क्या बोलने जाएंगे, या अर्णब गोस्वामी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। पत्रकार के बारे में अगर एक प्रेडिक्शन लगाने लगे तो ये ठीक बात नहीं। अब बात आई मुद्दे की, तो जो मुद्दा अर्णब गोस्वामी ने उठाया है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चिंतन की मांग करता है, क्योंकि कांग्रेस का जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से इस तरह के मामले में बहुत ही एकतरफा हो चला है। तो अगर आप किसी अर्णब गोस्वामी को या रवीश कुमार को एकतरफा बताते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के नाते आपका समग्र रवैया, समावेशी रवैया होना चाहिए, सबको बराबर से देखना चाहिए, सर्वधर्म संभाव की बात होना चाहिए। तो अगर अर्णब गोस्वामी ने ये कह दिया कि आप अगर पालघर में जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं दो हिंदू साधु, तो उसके बारे में कांग्रेस क्यों चौंके, सोनिया गांधी क्यों चौंके, तो इसमें कोई एतराज करने वाली बात नहीं है। लेकिन एतराज की बात वो जरूर है जो अर्णब गोस्वामी ने कही है, वो उनको बताता है कि वो एक पक्ष बनकर काम कर रहे हैं, कि वो इटली में जाकर रिपोर्ट करें कि हमने हिंदू संतों के साथ में एक ऐसी राज्य में ये हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, सामूहिक रूप से हत्या की गई है, जिस राज्य में जो राज्य की सरकार कांग्रेस के सहयोग से चल रही है। तो ये चीजें बिल्कुल निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि उनको पादरी में, मौलवी में और किसी पंडित के मामले में भेद नहीं करना होगा, सबको समान दृष्टि से देखें। कांग्रेस की यही परंपरा रही है, सर्वधर्म संभाव की देश रहा है कांग्रेस ने, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, सभी लोगों ने इस विचार को ही माना है, इसको फिर से पल्लवित पोषित करने की जरूरत है। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।